दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। 80 के दशक में प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल रामायण तो आपने देखा ही होगा। यह उस समय का सबसे पॉपुलर सीरियल है और इस सीरियल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। इस सीरियल में कई कलाकार काफी लोकप्रिय हो गए थे। दोस्तों अगर आप भी सीरियल रामायण पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि आज यह मशहूर सितारे कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि वो किस हाल में हैं। नंबर एक, रेणु धारीवाल। भारत के मशहूर टेलीविजन शो रामायण में रावण की बहन सुपनखा का किरदार निभाने वाली रेणु धारीवाल हैं। धार्मिक टीवी सीरियल रामायण साल 1987 में टेलीविजन पर प्रसारित होता था, जिसे आज 33 साल बीत चुके हैं और रेणु धारीवाल काफी बदल चुकी है। नंबर दो, सुधीर धलवी। उस समय के ट्रेंडिंग टीवी सीरियल रामायण में गुरु विशिष्ट का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम सुधीर धलवी है। रामायण के अलावा भी सुधीर कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके हैं। नंबर तीन, अरविंद त्रिवेदी। रामायण में भगवान राम के शत्रु रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी थे। अपने अभिनय से रावण के किरदार को हकीकत जैसा एहसास कराने वाले अरविंद त्रिवेदी एक महान अभिनय कलाकार हैं। अरविंद त्रिवेदी ने इस किरदार में इतनी जान डाल दी थी कि लोग उन्हें हकीकत में भी रावण के नाम से जानने लगे थे और आज अरविंद त्रिवेदी काफी बदल गए हैं। नंबर चार, अरुण गोविल। रामायण जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल थे। अपने अभिनय से भगवान राम जैसे किरदार को हकीकत वाला एहसास देने में कामयाब रहे। अरुण गोविल को उनके फैंस हमेशा सिर्फ भगवान राम के किरदार में ही देखना पसंद करते थे। अरुण गोविल भी आज काफी बदल गए हैं। नंबर पाँच, दीपिका चिखलिया। भगवान राम की पत्नी माता सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया हैं। अपनी सादगी और खूबसूरत अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली दीपिका चिखलिया ने कई पौराणिक धारावाहिकों में किरदार निभाया है। दीपिका चिखलिया आज पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वैसे दोस्तों सीरियल रामायण में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।